स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक प्रोग्रामिंग टेक्निक। आज हम क्या है प्रोग्रामिंग टेक्निक को पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है, हम फ्लो चार्ट को बता रहे हैं। फ्लो चार्ट होता क्या है? फ्लो चार्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी समस्या को क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम समझाना, किसके माध्यम से? फ्लो चार्ट के माध्यम से। अगर हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो हम क्या है, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, उनको हम आज बता दे रहे हैं। तो पहले नंबर पे क्या है, किसी भी प्रोग्राम को हमको स्टार्ट करना होता है तो इस प्रकार से हमको बनाना होता है। और ये स्टार्ट के लिए ये प्रोग्राम में यूज किया जाता है, और ये स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका इनपुट, यानी कोई भी डेटा हमको अगर देना होता है तो हम क्या है, इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है। सॉरी, इनपुट और इसी से हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आपका प्रोसेस, यानी हम क्या है, जो इनपुट देंगे उसको क्या है, हम प्रोसेस भी करेंगे। तो उसके लिए क्या है, प्रोसेस बॉक्स का यूज करेंगे, प्रोसेस बॉक्स। फिर उसके बाद में आता है कंडीशन। अगर बाय द वे हमको क्या है, किसी ऐसा प्रोग्राम होगा या कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसमें क्या है, कंडीशन आती है, तो उसके लिए क्या है, कंडीशन बॉक्स का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है फ्लो चार्ट, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट। अगर हमको जाना होता है तो उसके लिए इसको हम फ्लो लाइन के माध्यम से हम इसको दर्शाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कनेक्टर बॉक्स। इसके माध्यम से क्या होता है, अगर हमको दो प्रोग्राम को आपस में अगर हमको जोड़ना होता है तो हम कनेक्टर बॉक्स का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।